सिंगापुर की स्ट्रीट हॉकर संस्कृति यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में नामित की गई थी। स्ट्रीट हॉकर केंद्र सिंगापुर के बहुसंस्कृतिवाद के प्रतिनिधि हैं, जिनमें चीनी, मलय, भारतीय मूल के सस्ते स्वादिष्ट भोजन बेचने वाले स्टॉल हैं। इसके बारे में, अमूर्त संस्कृति संस्कृति का वह हिस्सा है जिसे छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन केवल रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसमें प्रदर्शन कला जैसे गीत, संगीत, नाटक, कौशल, शिल्प आदि शामिल हैं। 2003 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया। भारत ने 2007 में इसकी पुष्टि की। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति की सूची। यह एक वार्षिक सूची है जो प्रदर्शन करने वाली कला के उन रूपों पर केंद्रित है जो उत्कृष्ट मूल्य के हैं, लेकिन समर्थन की कमी के कारण असुरक्षित हैं। कार्यक्रम वर्तमान में दो सूचियों को संकलित करता है। प्रतिनिधि सूची, इसमें सांस्कृतिक प्रथाओं और अभिव्यक्ति शामिल हैं जो इस विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने में मदद करते हैं और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। यह लंबी है। तत्काल सुरक्षा सूची, यह उन सांस्कृतिक तत्वों से बना है जिनके निरंतर मनोरंजन और संचरण को खतरा है और उन्हें तत्काल समर्थन की आवश्यकता है। यह छोटी है। डोमेन, 5 व्यापक डोमेन है जिनमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रकट होती है। 1. मौखिक परंपरा और अभिव्यक्ति, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहन के रूप में भाषा सहित। 2. कला का प्रदर्शन। 3. सामाजिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और उत्सव की घटनाओं। 4. प्रकृति और ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान और अभ्यास। 5. पारंपरिक शिल्प कौशल। भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में भारत के कुल 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एक तत्वों को आज तक अंकित किया गया है।